पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सही है, क्या लिखा हुआ है बेटा, -6 2। पहला क्या लिखा हुआ है, -6 2। आ जाए बेटा, -6/2 ये आ गया। उसके बाद क्या है बेटा, -4/2। फिर -4 पे कितना है, 6। -4 पे कितना आ रहा है, 6। प्लॉट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर? सही है, इसे क्लियर बेटा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ट्राइंगल बी ऑन टू ट्राइंगल सी। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताएं, करना क्या था इसमें, हमें सिर्फ और सिर्फ लेवल करना था, करवा दिया। ये आ जाएगा ट्राइंगल, ये तो ट्राइंगल ए ऑन, अच्छा ये पीछे क्वेश्चन है इसका सर, ट्राइंगल बी ऑन टू ट्राइंगल सी, ये आपका क्वेश्चन हो गया, राइट, ये आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा ट्राइंगल सी। आप सही है, अब आगे देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 39। 39 में फिर दोबारा आपके पास क्या गिवन है, लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 39 इज गिवन दैट, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, द डायग्राम शोज ट्राइंगल ए एंड बी, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। देखिए बेटा क्या ये रिफ्लेक्शन है, देखें इस पॉइंट की इमेज सामने नजर आ रही है, इस पॉइंट की इमेज, सही है, ये सामने नजर आ रही है, इस पॉइंट की इमेज ये सामने नजर आ रही है, तो कौन है आपके पास, जो है वो मिरर लाइन कौन सी है जी बेटा, मिरर लाइन आपको कौन सी नजर आ रही है जी बेटा, वर्टिकल, वर्टिकल लाइन कौन सी है, क्या नाम है इसका, ये वाली, ये वाली वहां पर भी यही कर रहे हो, क्या है, क्या है, ओके सॉरी सॉरी, ए ऑन टू बी, ओके ओके, आ जाओ बेटा। अब इधर देखो, इस पॉइंट की इमेज क्या है, वो ये है, राइट, इस पॉइंट की इमेज क्या आ रही है, वो ये है, इस पॉइंट की इमेज क्या, ये है। अब मैं आपको एक चीज पे जरा सा गौर करवाता हूं, सुन लेना, पहला जो ऑब्जेक्ट है, सही है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0 1, जो इमेज आ रही है उसके कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, -1 0, क्या मतलब हुआ, पहले ये क्या हो रहा है, स्वैप हो रहा है, और उसके साइन क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल टू -x, करके देख लो क्या है, दूसरा क्या है, 0 3, सही है, क्या होगा बेटा, -3 0, क्या यही आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, 1 3, ठीक है, 1 3, फिर उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -3 एंड -1, क्या आ रहा है, -3 एंड -1 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रिफ्लेक्शन, ठीक है, और रिफ्लेक्शन किससे हो रही है बेटा, y इज इक्वल टू -x, ठीक है, इज इट क्लियर बेटा, आगे आ जाओ, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए बेटा, क्योंकि इसके नीचे का पार्ट मैंने कराया हुआ है, क्वेश्चन ठीक है, किसका, नंबर 40 का सी सीकर तो लिया, और क्या चाहिए, तो है 40 के नीचे, ये कराया वाली है, 40 का बोला है, चेंज होगा, केस है, ट्राइंगल ए इज मैप ऑन टू ट्राइंगल बी, इट इज द केस ऑफ द रोटेशन। अब देखिए डायग्राम घूम के जो है वो इस तरह से आ गई है, आप लोगों के पास अपने पास पेपर है, ठीक है, निकालिए जरा बेटा जल्दी से, ट्राइंगल ए इज मैप ऑन टू ट्राइंगल बी बाय द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है बेटा, ये जो केस है ये किसका आ रहा है, ठीक है, ये 100% रोटेशन का केस होगा, ठीक है, अब आपको मैं सिर्फ और सिर्फ बता देता हूं, आप घर से सॉल्व कीजिएगा, लुक एट द बोर्ड, देखिए बेटा, अगर ए ऑन टू बी है,
इस वन की इमेज क्या नजर आ रही है आपको? वन की इमेज क्या कौन सी होगी? सही है, ये ए ऑन टू, ए ऑन टू बी है बेटा, सही है। इस पॉइंट की इमेज क्या हो गई? ये हो गई, ठीक है। अब मैंने आपको क्या मेथड बताया कि जॉइन ए टू ए डैश, जॉइन ए टू ए डैश, तमीज से पढ़ो, जॉइन ए टू ए डैश, और फिर आप क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे क्या चीज बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सही है। अगर मैंने इसको नाम दिया है ए का, तो ये क्या है, सही है। अगर ये ए है तो ये क्या है बेटा, ए डैश, सही है। इसी तरीके से अगर ये बी है तो ये क्या है बेटा, बी डैश, सही है। आपने क्या करना है, ऐसे राइट, आपने क्या करना है, दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, जहां पर दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ रोटेशन कहलाएगा। अगर आपको शायद ग्रुप के अंदर देव, अगर आप गौर करें शीट के अंदर, मैंने उस दिन मेथड दिया था, ठीक है। तो बेटा ये आप लोगों का होमवर्क है, आप क्या क्या निकाल के लेकर आएंगे होमवर्क में, सबसे पहले तो क्या हो जाएगा बेटा, सेंटर ऑफ रोटेशन, आर क्या है, सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ, आप क्या निकालेंगे बेटा, एंगल ऑफ रोटेशन। ये दो आपका पॉइंट है जो कि आपने करके लेकर आना है, और इसमें यही चीज है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो क्या है, होमवर्क है। आज डेट क्या है, 25, सही है, 25-1, क्लियर हो गई बात, ये सही है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में इसकी पहले ही करवा चुका हूं, ट्राइंगल बी क्या है, ट्राइंगल बी इज मैप ऑन टू ट्राइंगल सी बाय द रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस, ठीक है। ये बेटा रिफ्लेक्शन का केस है, ये भी आप खुद से कीजिएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, सही है। ऑन द ड्रॉ द ट्राइंगल, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ट्राइंगल ए इज मैप ऑन टू ट्राइंगल सी बाय द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन एल। बेटा मुझे एक बात बताएं, सी कोई बनी है? यस, हियरिंग, ठीक है। इसी सी का आपको सारी चीजें खुद से लिखनी है, ठीक है। ये ट्रांसलेशन है, ये मैंने आपको होमवर्क देना है, ये मैं बार बार नहीं करवाऊंगा, ये आपका काम है कि आप ये होमवर्क आप करेंगे, सही है। एक होमवर्क आपका आ चुका है, कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 38 इज योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 38 इज योर होमवर्क, इज इट क्लियर बेटा। आ जाए बेटा नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए, सही है, और इसको आगे देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 जल्दी से आ जाए बेटा, क्वेश्चन नंबर 37 देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 इज गिवन दैट ट्राइंगल ए इज मैप ऑन टू ट्राइंगल बी बाय अ ट्रांसलेशन। अब यहां पर डबल जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, लुक एट द बोर्ड, सही है। ट्राइंगल ए इज मैप ऑन टू ट्राइंगल बी बाय ट्रांसलेशन फॉलोड बाय एन एनलार्जमेंट विद सेंटर 10, -4, ठीक है। पहले क्या हुआ, द ट्रांसलेशन मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल सी, द ट्राइंगल द एनलार्जमेंट मैप्स ट्राइंगल सी ऑन टू ट्राइंगल बी। अब बात समझ में आई, पहले आपका ऑब्जेक्ट, अब इधर सुनो, पहले ऑब्जेक्ट क्या था, ए था, सही है। ये क्या हुआ, ये ट्रांसलेट हुआ, इसके ऊपर क्या अप्लाई करी, ट्रांसलेशन अप्लाई करी। जब मैंने ट्रांसलेशन अप्लाई करी तो मुझे क्या मिला, बी मिला। फिर बी ऑब्जेक्ट बन गया, उसके ऊपर मैंने क्या अप्लाई कर दिया, उसके ऊपर मैंने एनलार्जमेंट अप्लाई कर दी, सही है। और उससे मुझे क्या मिलेगा, सॉरी इसका नाम है सी, ठीक है, इसका क्या नाम ले लिया, सी। और फिर सी जो है वो किसके ऊपर आएगा, बी के ऊपर, सही है। तो बेटा वो ये कह रहा है कि राइट डाउन द स्केल फैक्टर ऑफ द एनलार्जमेंट। अब बात समझ में आई, सबसे पहले यहां पर क्या लिखा हुआ है, ट्राइंगल ए इज मैप ऑन टू ट्राइंगल बी बाय बाय ट्रांसलेशन, ठीक है। और एनलार्जमेंट जो हो रही है वो किससे हो रही है बेटा, 10, -4, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट कितनी है बेटा, 10, -4, ये इसकी ई सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है, राइट।
अब निकालना कैसे है, स्केल फैक्टर चाहिए, बताओ जरा किस तरह से कर पाएंगे। जी बेटा राइट, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट चाहिए, ठीक है, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट निकालना है, क्योंकि सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट के लिए हमारे पास चीजें मौजूद नहीं है। बताइए ए ऑन टू किसके ऊपर जा रहा है, सी के ऊपर, और सी किसके ऊपर जा रहा है, बी के ऊपर, सही है। ए ऑन टू सी का मतलब क्या है कि पहले ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन से जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एनलार्जमेंट होगा, सही है। मेरे ख्याल के अगर इसको फिलहाल मैं जो है वो ड्रॉप करूं, क्योंकि ये काफी टाइम ले जाएगा, इससे बेहतर यही है कि मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करवा लूं, ज्यादा बेहतर, सही है। कौन सा है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 37? हाँ ये मैं खुद से आपके पास जो है वो करवाऊंगा, इसके ऊपर स्टार लगा, आ जाए बेटा नेक्स्ट, सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 36 में लिसन, पार्ट वन, व्हाट इज पार्ट वन, पार्ट वन इज द ट्रांसलेशन, ड्रॉ एंड लेबल ट्राइंगल, ये आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क, सही है, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, ट्राइंगल ए इज मैप ऑन टू ट्राइंगल सी बाय द एनलार्जमेंट -2, ये भी आपका क्या है, ये भी होमवर्क है, इज इट क्लियर, राइट, ये आपका होमवर्क हो गया बेटा। आप जो सेम आते जा रहे हैं वो मैं छोड़ूंगा, ठीक है, ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 35 क्वेश्चन नंबर 35, सही है, क्वेश्चन नंबर 35, बेटा आगे नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए बेटा, पहला पार्ट तो ये ट्रांसलेशन का, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो ये आप खुद से कीजिएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, ठीक है। पार्ट टू, पार्ट टू ये क्या चीज है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, सॉरी सिंपल मैट्रिक्स की है, ये मैं करवा चुका हूं, ठीक है। उसके बाद पार्ट थ्री, पार्ट थ्री में क्या है, राइट डाउन द मैट्रिक्स दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल सी, ये आप लोगों ने नहीं किया, पार्ट थ्री ये आपका क्या है, होमवर्क है। आज डेट क्या है, 25, सी ऑन टू ए, तो क्या हुआ, कर लेना, ए तो गिवन है ना, सी बनेगा नहीं क्या, सी कहां से निकलेगा, ड्रॉ हो गया ना, पार्ट ये पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आएगा, सी ड्रॉ तो एक बार वो भी हो सकता, मतलब डायरेक्ट अगर आंसर लिखो तो मार्क्स देगा। क्वेश्चन नंबर 35, अभी 35 कर रहे थे, जी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 34, 34 में बेटा क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी, आ जाए बेटा ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी, आपको अब इस चीज पे जरा सा गौर कीजिएगा, ये है क्या, हो सकता है कि ये y is equal to minus x b हो, क्यों, क्योंकि देखिए बेटा इस पॉइंट की इमेज ये नजर आ रही है, इस पॉइंट की इमेज ये नजर आ रही है, राइट। अब देखिए जरा सा गौर करें, अगर आप पहला पॉइंट मेरा क्या लिखा हुआ है, 2 1, जब भी कोई भी पॉइंट अगर y is equal to minus x से रिफ्लेक्ट होता है तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, स्वैप होते हैं और साइन भी चेंज हो जाते हैं, तो बेटा -1 -2 आ रहा है, राइट। दूसरे पॉइंट को बेटा एक से वेरीफाई नहीं करना, ठीक है, इधर देखो बेटा, इधर 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 बाद में कर लेना, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, 5 2,
देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, फाइव टू, और अगर ये रिफ्लेक्ट हो y इज इक्वल टू माइनस एक्स है तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस टू माइनस फाइव, फाइव टू माइनस टू एंड माइनस फाइव, सही है हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गई बेटा, ये जो रिफ्लेक्शन है ये क्या है, रिफ्लेक्शन है, और रिफ्लेक्शन किससे हो रही है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। इज इट क्लियर बेटा? इसका पार्ट टू, इसका पार्ट टू मैं पहले ही करवा चुका हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने किया हुआ है या नहीं किया हुआ, किया हुआ है सही है बेटा, जो जिसने नहीं किया हुआ वो आप खुद कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे क्लास में करवा दिया था। ठीक है बेटा, ठीक है आ जाए बेटा आगे चले। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या लिखा हुआ है, ट्राइंगल बी इज द इमेज ऑफ द ट्राइंगल ए आफ्टर रिफ्लेक्शन इन द लाइन। तो बेटा बस छोड़ दें, तो खत्म हो गई बात, ये आपका क्या है, होमवर्क है। अगर किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया उसके लिए होमवर्क है। ठीक है बेटा, सही है। उसके बाद बेटा 32 में क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब अब्दुल्ला, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। मेरे ख्याल के बेटा ये हो जाएगा, इधर देखें, अगर इधर देखें बेटा, ये वन है और ये क्या है टू, ये थ्री, ये फोर और ये क्या है फाइव, अगर इसके कोऑर्डिनेट है टू जीरो, और बेटा अगर ये वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स से होगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा माइनस टू होगा, सही है। पहला पॉइंट देख ले, टू कॉमा वन, सही है, क्या हो जाएगा बेटा, वन कॉमा माइनस वन कॉमा माइनस टू, क्या हो रहा है, माइनस वन कॉमा माइनस टू, ये हो रहा है। ठीक है वही बढ़िया बेटा, माइनस वन कॉमा माइनस टू। तो बेटा ये मुझे एक बात बताओ, ये कौन सी रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है किसकी बेटा, y is equal to minus x। बेटा रोटेशन का सिर्फ और सिर्फ अभी तक के एक ही केस आया हुआ है। ठीक है बेटा यहाँ तक क्लियर है, अच्छा बेटा देखिए इधर, यहाँ पर ये जो लास्ट पार्ट है, लिसन इसको कट कर दें, पार्ट टू ये बेसिकली शेयर है और शेयर हमारे सिलेबस से जा चुका है, सही है। ठीक है यहाँ पर जो इसका क्वेश्चन पार्ट, इसका बी है, पता नहीं ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्टी वन है, ओके 31 का बी इज योर आंसर, सही है आ जाओ बेटा। इसका पार्ट ए देखें बेटा, पार्ट ए में क्या लिखा हुआ है, पार्ट ए में लिखा हुआ है कि द ट्राइंगल, द डायग्राम शोज ट्राइंगल ए, ट्राइंगल ए इज मैप ऑन टू ट्राइंगल बी बाय एन एनलार्जमेंट, the enlargement center is 3-3 and scale factor is minus 2, draw and label the triangle B। बेटा मुझे कराने की जरूरत नहीं है बेटा, ये सब प्रैक्टिस या गेम है, प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ होगा वरना कुछ नहीं होगा, मैं आपको पहले भी बता रहा हूं, मैं इससे ज्यादा कोई काम नहीं करवा सकता, सही है। अब आ जाए यहां क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में जो है क्या लिखा हुआ है बेटा, फर्स्ट पार्ट डिस्क्राइब ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। आ जाए बेटा जरा ट्राइंगल और ट्राइंगल बी की शेप देखें, ये जो है वो बेसिकली देखें, ना तो ये सीध में आ रहा है, ना तो ये एक्सिस इसका चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये रोटेशन है, और रोटेशन का मेथड मैंने आपको क्या बताया, अगर ये ऑब्जेक्ट, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है तो ये इसका क्या है, इमेज है, आपने इस तरीके से जो है वो ऐसे एक लाइन बनानी है, फिर इसका क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ये इस पॉइंट की जो इमेज है वो क्या है, वो ये है, इस पॉइंट की इमेज को इस तरह से मिलाया, वी विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर
बाइसेक्टर ऑफ बोथ लाइंस, ठीक है, जहां पर दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या कहलाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ रोटेशन। और सेंटर ऑफ रोटेशन के बाद आपने क्या क्या चीजें निकालनी है, एक तो आर निकालना है सेंटर ऑफ रोटेशन, दूसरा आपका क्या है, क्या था, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, और नंबर थर्ड क्या था बेटा, डायरेक्शन। डायरेक्शन तो मैं आपको ऐसी बोल सकता हूँ कि ये 90 डिग्री क्या है, क्लॉक वाइज है, ठीक है। ये आपका क्या है बेटा, होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास होगी कंपास वगैरह, उससे आप लोग बिल्कुल सही तरीके से जो है वो सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है वो फॉलोड का आ रहा है, सही है, हाँ, तो इस वाइज वाले क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं ये सैटरडे के दिन खुद करवा लूंगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 29 मैं खुद कर लूंगा, राइट, सही है। आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 28 में जो ये पार्ट आ रहा है, इस देखें बेटा पार्ट वन आप लोग क्लास में कर चुके हैं, पार्ट टू, सही है, ये भी आपका जो है वो हो चुका है, सही है। ये जो है ना ये आप मेरे लिए छोड़ दें, मैं खुद करवाऊंगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 28 ठीक है बेटा। अब आप मुझे एक बात बता दें कि यहां तक जो है ना आप लोग करके रखिएगा, यहां के बाद से जितने भी क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह ताला वो हम सैटरडे को सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। अभी जरा बैठे दो मिनट, सही है, ठीक है बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा मुझे ये काम सैटरडे के दिन चाहिए, राइट, ओके बेटा, टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज। कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा।